My name is Abhi. Welcome back to another new episode of House Flipper. In the last video, हम लोगों ने एक Christmas house को decorate करा था. नहीं, हमारा मुंडी है. Hello, मेरे मुंडी, how are you? इसको थोड़ी सी treat देते हैं. Video की शुरुआत करने से पहले, ये ले थोड़ा सा खाना खा ले. And अभी उछल उछल के कूदेगा. कूद बे. खा खा के मोटा हो रहा है. Oh, कूद रहा है. Nice. आज की वीडियो के लिए गाइस मैंने सोचा है आज हम एक नया हाउस बाय करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे हाउसेस को अभी मुझे क्लीन करना बाकी है और मुझे वापस से यू नो आप सभी को पता ही है मेरा ड्रीम हाउस चांद के ऊपर मुझे घर भी बाय करना है. उसके लिए मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे. सो दैट्स वाई आज हम एक घर बाय करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है एक बर्न हाउस, पूरा जला हुआ घर है, या हाउस आफ्टर द फ्लड, कौन सा ले. एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, बर्न हाउस, कम बजट है. What the frick? इतना गंदा है भाई. Obviously जला हुआ है, पता नहीं क्या हुआ था. ये आ चुका है वो बर्न हाउस जिसको हमको क्लीन करना है. यहाँ पे बारिश हुई थी क्या, या किसी ने सुसु कर दिया है? पता नहीं है भाई, बहुत खराब हालत है घर की. सब कुछ टूटा हुआ है यार, सब कुछ जला हुआ है, तो मुझे इस घर को बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा. भाई ये क्या हो रखा है? वेट, ऐसा मैंने लेआउट पहले भी देखा हुआ है कहीं पे. हाँ, मैंने ऐसा लेआउट कहीं पे तो देखा है पहले भी. काम करते हैं, सबसे पहले हमको चीज़ें बेचनी पड़ेगी. लाइट्स अच्छी है क्या घर की? कैसी होगी भाई, पूरा घर ही जल रखा है. यहाँ की लाइट अच्छी है क्या? लाइट ऑन करके देखते हैं. भाई पूरा घर अगर जला है तो लाइट कहाँ से ऑन होगी? तो मुझे सब कुछ चेंज करवाना पड़ेगा, घर की दीवारें, घर का फ्लोर, बहुत सारा काम है इस घर में, बट मज़ा आएगा. तो सबसे पहले मैं शुरुआत ना लिविंग रूम से ही करूँगा. अभी इसको यहाँ पे प्लास्टर वगैरह करने की ज़रूरत है क्या? दरवाजे भी बेचने पड़ेंगे. सारी चीज़ें भेज देता हूँ मैं, सारी गाइस. लगभग यहाँ पे घर में जितनी भी सारी चीज़ें हैं पहले उनको बेचते हैं, एंड उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे अच्छी तरीके से. किचन को मैं बाद में देखूंगा, सबसे पहले हमारा लिविंग रूम एंड बेडरूम बनाएंगे. तो सबसे पहले सोच रहा हूँ हम बेडरूम को रिपेयर करेंगे. उसके लिए हमको यहाँ पे भी खुद से करना पड़ेगा सब कुछ. वुडन टाइप का वॉलपेपर लगाना चाहूँगा. ये लगा के देखते हैं कैसा लग रहा है. मैं थोड़ा सा अलग, इस बार थोड़ी सी अलग सी क्रिएटिविटी करने की कोशिश करते हैं. तो ये आ गया वुडन वॉलपेपर, लगा के देखते हैं. अच्छा नहीं लगेगा आई थिंक ये. आई डोंट नो भाई, कैसा लग रहा है गाइस ये? आई डोंट हैव एनी आइडिया. एक साइड की वॉल को कंप्लीट करके देखते हैं. पता नहीं कैसा लग रहा है. काम करते हैं, मैं दो तीन लगाता हूँ गाइस, मतलब एक जगह पे. अगर मैंने यहाँ पे ये लगाया ना, दूसरी जगह पे हम अलग सा लगाएंगे, दो तीन वॉलपेपर्स लगाएंगे. और वैसे भी मेरे पास पैसे अच्छा खास है. इसकी डिज़ाइन गाइस बढ़िया लग रही है मुझे, तो ये वाला थोड़ा सा बाय करते हैं. ग्रे कलर का है थोड़ा सा, तो ग्रे कलर से ही मैं सोच रहा हूँ इसको पूरा कंप्लीट करते हैं. ये थोड़ा सा वुडन गंदा लग रहा है, डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो इसको ना मैं इधर से लगा के देखता हूँ, देन देखते हैं कि ये कैसा लगेगा. अच्छा, अगर अच्छा लगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे. तो मैं जल्दी से इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, एंड देन हम आगे का देखते हैं क्या होता है. सही लग रहा है. मैं काम करता हूँ, इसी को मैं पूरे घर में कंटिन्यू करूँगा. ये जो मैंने वुडन का लगाया था ना, उसको रिप्लेस कर देगा क्या? ऐसा आधा अच्छा लगेगा क्या? नहीं गाइज, मुझे इसको पूरा रिप्लेस करवाना पड़ेगा. एक काम करते हैं, इसको मैं रिप्लेस करवा देता हूँ. ये वुडन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. फाइनली पूरे घर को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, एंड नाउ जो बचा था इसको मैं भेज देता हूँ. और अभी मुझे फ्लोर भी चेंज करना है और ऊपर की सीलिंग भी चेंज करनी है. ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा कारपेट लगा दिया है. सबसे पहले काम करते हैं, ये जो यहाँ पे गंदा है ना, उसको मुझे क्लीन करने दो. हाँ, अभी ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है. नाइस, अभी इसको मैंने पूरा क्लीन कर दिया. अभी देखो यार, बढ़िया लग रहा है ये ब्लैक कारपेट, बढ़िया लग रहा है मुझे. हाँ, सीलिंग के लिए मैं व्हाइट लेने की सोच रहा हूँ. ये जो भी है, ये सीलिंग के लिए लगेगा क्या? वो लगेगा. कंप्लीटेड, ये. अभी ऊपर क्या हो गया ये? ओ, ऊपर भी ये जला हुआ है ना, मुझे उसको भी हटाना पड़ेगा ऑब्वियसली. तो इसको मैंने क्लीन कर दिया, और अभी जल्दी से ऊपर भी झाड़ू लगाते हैं. एंड देयर यू गो गाइस, फाइनली पूरा रूम एकदम नए जैसा बन गया. एकदम ऐसा पूरा ये मैचिंग हो रहा है, ग्रे एंड व्हाइट का पूरा थीम बन गया. काफ़ी बढ़िया लग रहा है. और खिड़की के ऊपर भी थोड़ी सी गंदगी, मुझे उसको भी क्लीन करना पड़ेगा. तो इसको भी जल्दी से क्लीन करते हैं. देन अभी हमको अपना बेडरूम भी ठीक करना है, किचन भी बनाना है. बट बेडरूम तो लगभग हमारा ठीक हो गया. तो अभी यहाँ के जो लाइट स्विचेस है, आई थिंक मुझे इसको भी रिपेयर करना पड़ेगा. आई थिंक नया लगाना पड़ेगा. आई थिंक या पूरा ख़राब हो रही है. एंड ये हो गया. ओके, एक मैंने लाइट का स्विच रिपेयर कर दिया. वैसे यहाँ पे कितने हैं? दो लाइट के स्विचेस हैं, तो मुझे दोनों को रिपेयर करना पड़ेगा. एंड अच्छी बात तो यही है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है. लेट्स गो. दोनों लाइट के स्विचेस को मैंने रिपेयर कर दिया है. अभी बस मुझे यहाँ पे एक दरवाज़ा लगाना है, लेकिन दरवाजे हम बाद में लगाएंगे. अभी मैंने बेडरूम को तो ठीक कर दिया. अभी बारी है हमारे लिविंग रूम की. सबसे पहले मैं सारे कमरों को ठीक करूंगा, देन हम यहाँ पे फर्नीचर लगाएंगे. तो अभी लिविंग रूम के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्लीन करना पड़ेगा, बहुत गंदा हो रखा है. थोड़े से स्किल्स पॉइंट्स अनलॉक हो गए, तो मैं थोड़े से इनको यूज़ कर लेता हूँ. पेनिट्रेशन विजन या लॉन्ग रेंज पेनिट्रेशन विजन इसको कर लेते हैं. ये वाली छत ठीक लग रही है मुझे.
बस उधर की ही जली थी पूरी। अच्छी बात है, तो इसको आई थिंक हमको रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बस हमको यहाँ पे वॉल्स को ही रिपेयर करना है। तो यहाँ पे वॉल्स के लिए हम क्या लगाए, पेंट लगाए या बाकी का कुछ? लेट मी चेक, आई थिंक ये सही लगेगा, आई थिंक, आई डोंट नो। हाँ ये बढ़िया लग रहा है, इसी को मैं कंटिन्यू करता अभी यहाँ पे। बट यार थोड़ा सा फ्रेश फील नहीं हो रहा, वो देखो कैसा फ्रेश लग रहा है ये वाले कमरे में आके। ये वाला और थोड़ा सा ऐसा मरा हुआ कलर लग रहा है। नहीं नहीं गाइज, नहीं आई एम सॉरी, इसको बेचना पड़ेगा, ये बढ़िया नहीं लग रहा है। मुझे फ्रेश कलर अच्छा लगता है। हाँ ये वाला लगाते हैं, ये वाला मैंने एक घर के अंदर लगाया था, वो बीच वाले घर पे। हाँ थोड़ा सा गुलाबी और ये फ्रेश कलर भी होता है, तो इसको भी मैं जल्दी से यहाँ पे लगा रहता हूँ पूरे कमरे में, एंड ये अच्छा लगेगा डेफिनेटली, नो डाउट। ये हो गया, लेट्स गो। पूरे कमरे में मैंने वॉलपेपर लगा दिया है, एंड सीरियसली ये बहुत सही लग रहा है। अभी बस मुझे यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, और ये जो दरवाजा था उसकी जगह पे भी मैंने लगा दिया है, तो आई थिंक मुझे बाद में ना इसको हटाना पड़ेगा गाइस। और विंडो के ऊपर थोड़ी सी गंदगी है, इसको क्लीन करते, लेट्स गो। बढ़िया लग रहा है अभी। तो सारे विंडोज़ को मैंने क्लीन कर दिया, और ओ यहाँ पे थोड़ा सा बचा है, इसको भी यहाँ पे लगाते हैं, फिर ये आखिरी बचा था। ठीक है, अभी पूरा क्लीन हो गया। एंड अभी मुझे ऐसा लग रहा है मुझे दरवाजे के लिए ना इसको तोड़ना ही पड़ेगा, आई थिंक इसको दरवाज़ा बाय करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दरवाज़ा तो लगाना है। एक काम करते हैं, दरवाजे से ही अभी शुरुआत करते हैं, डोर से ही लगाना है अभी। ये वाला डोर लगाया क्या? $600 में मिल रहा है, बड़ा सा डोर है भाई, ऐसा रिच रॉयल वाली फील आएगी इसको देख के। पूरा ब्लैक थीम में लूँगा मैं। ओ ये भी बढ़िया लग रहा है यार, बट ये काफ़ी बड़ा नहीं हो जाएगा? इतने छोटे घर में इतना बड़ा दरवाजा। वैसे मुझे आई थिंक इस खिड़की को भी देने यहाँ से हटाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले खिड़की को मैं भेज देता हूँ, भेज डालते अभी, ठीक है। और अभी यहाँ पे वो बड़ा सा दरवाजा लगेगा बीच में, ऐसा रॉयल एंट्री होगी आप लोगों की। और अभी मुझे इसको घुमाना है, रोटेट करने के लिए डॉट दबाना है। ओह हाँ ये अंदर आ गया, हाँ ओके ऐसा होता है, देन मैंने लगा दिया गाइस। बहुत बड़ा दरवाजा लगा दिया मैंने, यस तोड़ दिया सब कुछ, आई नीड टू यूज। फाइनली गाइज दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा लग चुका है यहाँ पे, भाई क्या सही लग रहा है यार, नाइस। ओह डॉग को आने के लिए एक स्पेस भी है छोटा सा, ई टू ओपन, नाइस। तो बड़ा सा दरवाजा हमने लगा दिया, और अभी सीरियसली अच्छा लग रहा है, नो प्रॉब्लम। एंड अभी बारी है किचन की, किचन के अंदर की थोड़ी सी गंदगी है उसको हटा देते हैं, और पूरे किचन को हमको बेचना पड़ेगा। जितनी भी सारी चीज़ें सबको बेच डालो, बर्तन वगैरह यहाँ पे छोटे छोटे हैं, इनको भी बेच डालते हैं। या क्लीनिंग का गाइज पूरा काम हो चुका है हमारे किचन का, अभी भी लोग बोल रहे हैं थोड़ी सी डर्ट बची है, बट आई डोंट नो। अभी मुझे यहाँ पे थोड़े से वॉलपेपर्स लगाने हैं किचन के लिए, किचन के लिए टाइल्स होती है, तो किचन में हम ये वाला आई थिंक यूज़ कर सकते हैं। वाइट वाला कैसा लगेगा, लगा के देखते हैं। ये वाला मैंने थोड़े से बाय कर लिए, आई थिंक इतने में हो जाएगा। और अभी मेरे पास ये पहले जो बचा है यार, इसको लगाना पड़ेगा क्या यार हर बार? इसको कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं होता है क्या? स्विच नहीं कर सकता मैं इसको, ये लगाना ही पड़ता है आई थिंक, पता नहीं कैसे होता है। ठीक है अभी मैंने ये लगा दिया, अभी मुझे वापस यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा वाइट। हाँ वाइट किचन गाइस बढ़िया लगेगा, देखो कितना वाइट है ये, बहुत ही वाइट है, ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ये आखिरी यहाँ पे लगेगा, फाइनली पूरे किचन को मैंने एकदम वाइट कर दिया, कितना ज़्यादा वाइट लग रहा है। और मुझे यहाँ पे एक दरवाज़ा भी लगाना है वैसे, तो एक काम करते हैं, खिड़की की ज़रूरत नहीं है यार, अगर दरवाज़ा होगा तो खिड़की को भेज देते, नाइस खिड़की को भेज दिया। और अभी मुझे यहाँ पे एक डोर लगाना पड़ेगा किचन के लिए, अलग सा डोर, तो इसको यहाँ पे डोर सर्च करते हैं, छोटा सा ही लगाते हैं। स्लाइडिंग वाला डोर लगेगा क्या? तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये फिट क्यों नहीं हो रहा? डॉट दबा के, हाँ अभी अंदर आ गया। अभी ये कहाँ पे एकदम बीचों बीच लगना चाहिए, लगा दिया मैंने डोर, देयर यू गो। भाई साहब बहुत बड़े बड़े दरवाजे लगा दिए भाई मैंने यहाँ पे। अभी देखो ये स्लाइडिंग वाला डोर है, तो लोग आई थिंक खुश हो जाएंगे, कुछ कुछ लोगों को पसंद होता है स्लाइडिंग वाले डोर्स। एंड ये रेडिएटर बीच में आ रहा है क्या? अरे यार एक सेकेंड, इसको पहले स्लाइड करते, ये रेडिएटर को मुझे भेजना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ पे किचन में ज़रूरत नहीं थी आई थिंक। एंड एक डोर हमारे बाथरूम के लिए भी चाहिए, तो रंगे हाथ में बाथरूम वाला भी डोर लगा देता हूँ। ये वाला दरवाज़ा हमारे बाथरूम के लिए रहेगा, यहाँ पे फिट हो गया। एंड रंगे हाथ में देन यहाँ पे भी लगा देता हूँ, एक किचन के लिए भी होगा यहाँ पे एक, हाँ यहाँ पे भी एक लगा देता हूँ मैं, लगाने हमको डोर तो अभी लगा दूँ मैं, ये यहाँ पे लगेगा, परफेक्ट। एक और डोर लगा दिया, और एक और डोर हमको हमारे बेडरूम के लिए भी चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे लगा देते हैं। पूरे डोर्स का थी मैंने एक ही चूज़ करा है, फाइनली सारे के सारे डोर्स मैंने यहाँ पे लगवा दिए, यानी पूरा मैचिंग हो रहा है, वेरी नाइस। और अभी हमको यहाँ पे किचन का सेट लगाना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पे फ्लोरिंग करने की चेंज करने की सोच रहा हूँ, यहाँ पे थोड़े से कारपेट्स लगाते हैं। किचन के लिए रेड कैसा रहेगा? आई डोंट नो, लगा के देखते हैं। नाइस बहुत सही लग रहा है, ऐसा एकदम रिच रॉयल फील आ रही है। और ये वाले भी दिन में रूम को रेड कर दो क्यों ना, लगा के देखते। हाँ यार सही लग रहा है, आई थिंक सही लग रहा है, ऐसा रॉयल वाला फील आएगा।
बट ये सब कुछ रेड रेड हो रहा है यार। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे रेड नहीं सही लगेगा गाइस, कुछ और लगाते हैं। ब्लैक थीम आई थिंक बढ़िया था यहाँ पे, ये वाला लगा के देखते हैं। हाँ ये सही लग रहा है डेफिनेटली, या शो फॉर शो ये सही लग रहा है। हाँ ऐसा पूरा वाइट पिंक थीम, ये बढ़िया लग रहा है। और किचन के लिए रेड सही रहेगा, एकदम बढ़िया। और यहाँ पे भी थोड़ी सी गंदगी, उसको क्लीन करना पड़ेगा। फाइनली पूरे घर की फ्लोरिंग हो चुकी है, काफ़ी सही लग रहा है। और अभी बस हमको यहाँ पे किचन लगाना है। आई होप ये सही लग रहा है, इसको सेल कर देते हैं, बढ़िया लगेगा, पूरा वाइट वाइट होगा। आई होप ये अच्छा लगे यहाँ पे। और फिट हो रहा है क्या यार? फिट नहीं होगा आई थिंक ये, यार बड़ा है थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा अलग सा लेना पड़ेगा। हाँ ये वाला सेट कैसा रहेगा? क्लासिक है, फिट होगा क्या यहाँ पे? आई थिंक फिट हो जाएगा ये। बट खाना पकाने के लिए गैस वगैरह कहाँ पे? आई डोंट नो, लगा के देखे। और मैंने लगा दिया, ये क्लासिक सेट आ गया पूरा। हाँ गाइस ये बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे मैं देन बाकी की चीज़ें लगाऊंगा, वो छोटा छोटा जो होता है। नाइस सही है। यहाँ पे हमारा अभी सिंक भी आ गया, यहाँ पे आप यू नो बर्तन वगैरह धो सकते हो। एंड आई थिंक इट्स लुकिंग क्वाइट गुड, बढ़िया लग रहा है, पूरा मैच हो रहा है थीम को। और ये ऊपर भी है थोड़ा, इसको यहाँ पे सरका देते यहाँ पे। नाइस अभी एकदम परफेक्ट है। फ्रिज मैंने लगा दिया, पूरा किचन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अभी बारी है बाथरूम को क्लीन करने की। तो सबसे पहले यहाँ पे पूरी क्लीनिंग कर देते हैं। बाथरूम की भी थोड़ी सी ऊपर की छत खराब है, और बाकी तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है। विंडोज़ के ऊपर थोड़ी सी गंदगी है, उसको क्लीन करते हैं। या हो गया। और बाथरूम के अंदर भी हम एक वॉलपेपर लगाएंगे, देन सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ग्रास वॉलपेपर आई डोंट नो कैसे लगेगा ये बट ये पहले वाला लगाना पड़ता है यार हर बार, ये क्या पंगा है। ठीक है ग्रास, यहाँ पे ग्रास लगा के। ओ सही लग रहा है ये ग्रास, आई थिंक लगा के देखते पूरे बाथरूम में ग्रास, ऐसा नेचर का फील आएगा आप लोगों को। पूरे बाथरूम को मैंने एकदम ग्रीन ग्रीन कर दिया है। ये मैंने टॉयलेट यहाँ पे फिट कर दिया। नाइस टॉयलेट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और उसके बाद हमको यहाँ पे एक सिंक लगाना है, मैं जल्दी से सिंक को भी लगा देता हूँ। ओ एक सेकेंड, लीकेज हो रहा है पानी का। वो ये फर्स्ट टाइम हुआ था, मैं भी यहाँ पे सब कुछ चालू है भाई फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, अलग अलग चीज़ें हो रही है। मैं भी पर्क पॉइंट्स अनलॉक हो गए, दैट्स वाई। या हो गया, पूरा मैंने सिंक यहाँ पे लगा दिया। और नीचे पानी भी आ गया थोड़ा सा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। पानी को क्लीन करेगा या पानी भी क्लीन हो जाता है। लेट्स गो, सिंक लगा दिया। अभी बस हमको यहाँ पे बाथरूम लगाना है, शॉवर, देन हमारा काम हो जाएगा। बाथरूम फिक्चर्स एंड ये आ गया शॉवर। बाथ टब तो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं लगने वाला है। ये क्या चीज़ है, $1200 में लग रहा है, लगा के देखते हैं। ये यहाँ पे लगेगा? ओ ये मैंने पहली बार लगाया है, क्या चीज़ है ये? वो ये इसको हो गया क्या? अबे ऐसा कैसा शॉवर है ये? ठीक है शॉवर मैंने लगा दिया। और यहाँ पे थोड़े से नट बोल्स स्विचेस खराब हो गए हैं, उनको भी मुझे रिपेयर करना पड़ेगा। या पूरा बाथरूम एकदम चकाचक नया हो चुका है। और टाइल्स सेम रख देते, कोई इशू नहीं है। अभी बस मुझे पूरे घर में फर्नीचर लगाना है। शुरुआत करते हैं बेडरूम से। बेडरूम के सबसे पहले विंडोज़ को क्लीन करते हैं। काफ़ी सारे विंडोज़ है, टोटल 3 विंडोज़ है। एंड देयर यू गो, विंडो क्लीन कर दी मैंने, तीनों को तीनों विंडोज़। और अभी हमको यहाँ पे फर्नीचर वगैरह लगवाना है। तो फर्नीचर के लिए हमको फर्नीचर सेक्शन में आना पड़ेगा। ये आ गया फर्नीचर डिपार्टमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक कबर्ड लगाते हैं यहाँ पे, ब्लैक थीम में बढ़िया लगेगा। नाइस कुछ लोग खुश हो गए, लेट्स गो। कबर्ड मैंने लगा दिया। ये वाला बेड लगेगा क्या? बड़ा होगा आई थिंक ये, नहीं छोटा ही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फिट होगा क्या ये? इसके सामने फिट हो जा, अरे फिट हो ना भाई, प्रॉब्लम क्या है? नहीं फिट नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं ऐसा लगाते हैं बेड को। हाँ फिट हो रहा है, लेट्स गो। मैंने बेड लगा दिया, यहाँ पे कबर्ड है। हाँ यार अभी बढ़िया लग रहा है, बेडरूम इज परफेक्ट ड्यूड, थैंक यू सो मच ब्रो। अभी तो मैं बहुत सारी और चीज़ें लगाने वाला हूँ। ये भी लगाते हैं, बढ़िया लगेगा बीच में कबर्ड के सामने ऐसा। नाइस यहाँ पे एक ड्रेसर भी है, तो इसका थीम थोड़ा सा डार्क लेते हैं। ये आ गया एक ड्रेसर जो कि यहाँ पे लगेगा। लगेगा क्या ड्रेसर? ये काफ़ी बड़ा नहीं हो जाएगा ये? ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक ड्रेसर भी लगा दिया है, तो आप यहाँ पे उन्हों मेकअप वगैरह कर सकते हो। बढ़िया लग रहा है भाई, सही है, अभी एकदम बढ़िया लग रहा है। और भाई ये थोड़ा अभी बहुत सामने आ गया, ये मुझे थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाना पड़ेगा। अभी ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक रेडिएटर भी लगाना है, ठीक है वो भी लगाएंगे। बट अभी सबसे पहले इसको डेकोरेट तो करते हैं अच्छे से। बेड साइड कैबिनेट ये भी लगाते हैं, फिर ये इसके साइड में रहेगा, परफेक्ट। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें लगा दी है बेडरूम के अंदर, बढ़िया लग रहा है हमारा बेडरूम। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक ये लगाना था रेडिएटर, यहाँ पे रेडिएटर होना चाहिए, नहीं तो लोग बाद में कंप्लेंट्स करते हैं।
लेट्स गो गाइज। मैंने यहाँ पे एक रेडिएटर भी माउंट कर दिया तो पूरा हमारा बेडरूम कंप्लीट हो चुका है, काफी बढ़िया लग रहा है। और अभी बारी हमारे लिविंग रूम की, तो लिविंग रूम में एक सोफा होगा एंड एक टीवी होगा। दैट वुड बी नाइस आइडिया, है ना। सोफा हमारे यहाँ पे रहेगा, ओके। तो टीवी कहाँ पे लगाए? फिर टीवी थोड़े से यहाँ पे शेल्फ भी लगाते हैं, बढ़िया लगेंगे। थोड़े से रेड में लेते हैं, ये डेकोरेशन के लिए। एक यहाँ पे रहेगा, इसके अंदर आप चीज़ें वगैरह रख सकते हो। नाइस, दैट वुड बी नाइस आइडिया। एक यहाँ पे भी रहेगा, ओके। मैंने थोड़े से सेल्स लगा दिए ताकि लोग ज़्यादा खुश हो जाए। देन आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी और भी चीज़ है। ओ, ये वाला सोफ़ा भी बढ़िया है यार, काफ़ी सारी नई चीज़ है भाई। कुछ कुछ लगाओ, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। टीवी कैबिनेट यहाँ पे रहेगा, या दरवाज़ा बंद कर दो सबसे पहले। लेट्स गो। इसके ऊपर हमारा नॉर्मल छोटा सा टीवी रहेगा। टीवी यहाँ पे सर्च करते हैं। ये घर ना थोड़ा छोटा है, दैट्स वाई चीज़ें लगाने में तकलीफ हो रही है। ये पुराना वाला लगा दे क्या? नहीं, ये नहीं, छोटा सा ही लगाते हैं। ये वाला स्मॉल लगाते हैं, स्मॉल वहाँ पे फिट होगा ना। स्मॉल भी काफ़ी बड़ा है इस गेम में, देखो कितना बड़ा है। पूरा का पीछे वाला पूरा व्यू चला गया, ठीक है। टीवी भी मैंने लगा दिया स्मॉल वाला। लेट्स गो, अभी सब कुछ सही लग रहा है आई थिंक। सोफा आ गया, टीवी आ गया, अभी बस मुझे लाइट्स को इंस्टॉल करना है। किचन मैंने कंप्लीट कर दिया है और टॉयलेट भी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अभी बस मुझे लाइट्स को इंस्टॉल करना है पूरे घर में, देन हमारा पूरा घर का काम कंप्लीट हो जाएगा। और घर को एक बार बाहर से भी मुझे क्लीन करना है। तो अभी यहाँ पे लाइट्स के सेक्शन में आते हैं। सीलिंग लैम्प चाहिए हमको। ये वाला लैम्प भी मुझे सही लग रहा है, लगा के देखे क्या इसको कैसा लग रहा है ये। हाँ, ऐसा स्पाइरल जैसा है। एक यहाँ पे लगाते हैं, इसको ऑन करके देखते हैं। कुछ लोग खुश हो गए ये वाला लैम्प देख के, रिच लुक। इसको देख के रिच लुक आ रही है। देन ये वाला सेम यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। और एक बेडरूम के अंदर भी लगाते हैं। पूरे घर में एक ही लैम्प रहेंगे सारे, एक ही डिज़ाइन के। इसको ऑन करके तो देखते हैं कैसा लग रही है। यार सही लुक आ रही है, वाह मस्त, एकदम मस्त है। और इसकी यहाँ का स्विच किधर गया? वो यहाँ पे स्विच ही नहीं है, मुझे यहाँ पे एक स्विच लगाना पड़ेगा। और एक किचन के लिए भी चाहिए, किचन के लिए। ये पुराना वाला ख़राब लग रहा है। और एक बाथरूम के लिए भी चाहिए आई थिंक। या पुराने वाले को मैं भेज देता हूँ, बहुत गंदा लग रहा है, पुराना भेज दो इसको। नए स्विचेस है यहाँ पे। और बाथरूम के अंदर भी एक लाइट होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी एक लाइट लगाते हैं। न्यून लाइट्स भी है मेरे पास काफ़ी सारी, बट अभी तो नॉर्मली लगाते हैं। बाथरूम के अंदर ये वाली लगाए क्या, कैसा लग रहा है ये? दो लगाते हैं फिर, आई डोंट नो। हाँ यार सही लग रहा है, ऐसी नॉर्मल छोटी सी प्यारी सी लाइट आ रही है, बढ़िया है। ठीक है, बाथरूम कंप्लीट हो गया, किचन की लाइट कंप्लीट हो गई। इसको ऑन करके देखते हैं, मस्त लाइट आ रही है, परफेक्ट। लगभग सारी चीज़ें परफेक्ट हो चुकी है। अभी बस हमको घर को एक बार बाहर से क्लीन करना है, या बाहर से भी मुझे कुछ इसको पेंट करना पड़ेगा क्या, आई डोंट नो। सबसे पहले क्लीनिंग से शुरुआत करते हैं। घर के बाहर भी हमको काफ़ी गंदगी दिखाई दे रही है, इसको क्लीन करना पड़ेगा। फाइनली गेमर्स, मैंने पूरे घर को बाहर से क्लीन कर दिया है और मैं इसको पेंट करने की भी सोच रहा हूँ यार। अगर इतना कर दिया तो पेंट भी करना बनता है, तो इसको मैं बाहर से भी पेंट करने की सोच रहा हूँ। अभी कर देते भाई, अगर हमने इतना इतनी मेहनत करी है तो थोड़ा सा और भी कर देते। तो मैं वॉल्स को बाहर से पेंट करने वाला हूँ। कौन सा अभी इसको पेंट कौन सा करें, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। बाहर से पेंट अच्छा लगेगा कि नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अंदर से तो हम अलग अलग दे सकते हैं, बट बाहर से नॉर्मली कौन सा कलर होता है घर को? मिल्की वाइट देखे देखे क्या। एक मैंने बकेट बाय कर ली है मिल्की वाइट की, और ये वाला कलर यहाँ पे देखे देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ यार, ओ सही लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है ये कलर बाहर से। नाइस नाइस नाइस, वाइट कलर घर को बाहर से अच्छा लग रहा है गाइस। तो मैं काम करता हूँ, पूरे घर को मैं पूरा वाइट ही कर दूंगा, अच्छा लगेगा आई थिंक। ये आई होप अच्छा लगे, तो जल्दी से भी इसको पूरा पेंट कर देते हैं। सो गेमर्स, फाइनली पूरे घर को मैंने पेंट कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। एंड अभी बारे इसको बेचने की, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। 44 मिनट्स मैंने स्पेंड करे इसके ऊपर, एंड अभी देखते हैं कितने में जाएगा। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। मैंने 36,000 में परचेस करा इसको, 41,000 अच्छा खासा आना चाहिए भाई। 41, आर यू सीरियस? इतने कम पैसे 42 लगभग मैंने अच्छा तो करा इसको, आर यू किडिंग मी? बस $2,000? वाई? अबे इतना अच्छा तो करा था मैंने इसको, ये लोग क्या बोल रहे हैं? आई लव फ्लावर्स, वो के वहाँ पे फ्लावर्स नहीं थे। नो लिविंग रूम, भाई लिविंग रूम तो था वहाँ पे, क्या पागल लोग है ये भाई, ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। ठीक है, अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑफर को, ठीक है भाई एक्सेप्ट। मतलब $2,000 का बस प्रॉफिट हुआ, मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे पैसे भी स्पेंड करे थे, बट ठीक है। हमने अच्छा खासा घर को रेनोवेट करा, मतलब अच्छा लगा मुझे उसको रेनोवेट करके। पैसे नहीं मिलेगा चलता है भाई, हम खुश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली हमने एक और घर को भी क्लीन कर दिया, बट पैसे नहीं मिले मुझे, काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत है। तो ठीक है, हमने आज एक और हाउस को क्लीन कर दिया। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम कुछ अलग सा नया सा घर बाय करेंगे। आज के इस एपिसोड में बस नया था, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर टुडे शाउट आउट। आज का पहला शाउट आउट जाता है श्याम कुमार को, थैंक यू सो मच। इन्होंने काफ़ी सारे मुझे टिप्स दिए थे हाउस बिल्डर के। एंड सेकेंड शाउट आउट जाता है डेविल गेमिंग को,
अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए नीचे कमेंट करो तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गेमर्स।